जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डॉग के काटने से ह्यूमन बीइंग में रेबीज हो जाता है और इस रेबीज वायरस का कोई इलाज भी नहीं है, अल्टीमेटली उस ह्यूमन बीइंग की डेथ हो जाती है। और इस रेबीज वायरस के कारण 59,000 पीपल है जो हर साल अपनी जान गंवा देते हैं और जिनकी डेथ हो जाती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि अगर आपको किसी डॉग ने काट लिया है तो आप क्या करें, उसका वैक्सीनेशन शेड्यूल क्या है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, ताकि इन फ्यूचर ये वीडियो आपके काम आ सके। अगर आपको किसी डॉग ने काट लिया है तो सबसे पहले जहां उस डॉग ने काटा है उस जगह को अच्छे से साफ करें, लगभग 15 मिनट तक उस जगह को धोएं। उसके बाद उस जगह पे कोई डिसइंफेक्टेंट, डेटोल, सेवलॉन, टिंक्चर, आयोडीन कुछ भी लगा सकते हैं। अगर उस डॉग का ओनर है तो उस ओनर से उस डॉग के वैक्सीनेशन शेड्यूल के बारे में पूछे कि डॉग की वैक्सीनेशन प्रॉपरली हुई है नहीं हुई है, और उस ओनर का कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस ज़रूर लें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और काफ़ी लोग ये नहीं करते हैं। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगले 10 से 12 दिन में अगर उस डॉग के अंदर रेबीज़ के कोई सिम्टम्स आते हैं या वो डॉग मर जाता है तो ये बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप उस ओनर को कॉल करके पूछें कि आपका डॉग हेल्थी है या नहीं है। अगर हेल्थी है तो अच्छी बात है, उसको रेबीज़ नहीं है, आप भी सेफ हैं। अगर हेल्थी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपको भी रेबीज़ वायरस हो सकता है। और उसके बाद फिर आप क्या करें, उसके बाद आपको TT का इंजेक्शन लगवाना ज़रूरी है, टेटनस का, और एंटीबायोटिक्स अगर रिक्वायर्ड हैं तो लगवाएँ, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। अब बात करते हैं कि वैक्सीनेशन कब लगवानी है। तो ये डिपेंड करता है डॉग बाइट पे कि डॉग ने आपको कितना सीवियरली बाइट किया है। इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो कैटेगरी नंबर 1 है तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर डॉग ने आपको लिक किया है, सिर्फ उस डॉग ने आपको चाटा है, तो वो कैटेगरी 1 के अंदर आता है। उसमें कोई ब्लीडिंग, स्क्रैच कुछ भी नहीं है तो उस चीज़ के अंदर आपको वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 के अंदर डॉग ने दांत से स्क्रैच कर दिए हैं बट ब्लीडिंग अभी भी नहीं हुई है, तो उस कैटेगरी के अंदर आपको वैक्सीनेशन लगवाना ज़रूरी है। कुछ लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि खून तो अभी आया नहीं है तो वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है, बट ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। इस केस के अंदर आपको वैक्सीनेशन लगवाना बहुत ज़रूरी है। अब आती है कैटेगरी नंबर 3 कि आपको डॉग ने बाइट कर लिया है तो वो घाव गहरा है, वुंड है, उससे खून भी आ रहा है, तो उस केस के अंदर आपको वैक्सीनेशन तो लगवाना ही लगवाना है, उसके साथ इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी लगवाने हैं ताकि उस वायरस को काउंटर अटैक किया जा सके, उस वायरस को ख़त्म किया जा सके। तो जो ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं वो 20 इंटरनेशनल यूनिट पर KG के हिसाब से लगता है, और उसकी हाफ डोज है वो जहाँ उस डॉग ने काटा है उस वुंड के अराउंड हाफ डोज लगेगी, और जो हाफ डोज बची है वो इंट्रामस्कुलर आपकी डेल्टोइडियस मसल के अंदर लगेगी। तो अब बात करते हैं वैक्सीनेशन शेड्यूल के बारे में। तो जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है पोस्ट एक्सपोजर, उसमें 2 है मेनली, इंट्रामस्कुलर और इंट्राडर्मल। इंट्रामस्कुलर के अंदर 3 रेजिमेंट्स हैं। पहला रेजिमेंट है 5 इंजेक्शन रेजिमेंट, दूसरा है 4 इंजेक्शन, वो है 211, और तीसरा भी 4 इंजेक्शन रेजिमेंट प्लस इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो जो 5 इंजेक्शन रेजिमेंट है उसके अंदर 5 टीके, 5 इंजेक्शन लगते हैं। वो कब कब लगते हैं? 0 डे, 3 डे, 7 डे, 14 डे और 28 डे। 0 डे का मतलब जिस दिन कुत्ते ने काटा है उसी दिन इंजेक्शन लगवाना है, उसका मतलब है 0 डे। उसके बाद 3 डे, 7, 14 और 28 पे 5 इंजेक्शन टोटली इसमें लगते हैं। और अगला रेजिमन 211, इसके अंदर क्या होता है, जो 0 डे है उस डे में आपको 2 इंजेक्शन लगते हैं, एक राइट साइड डेल्टोइडियस मसल में और एक लेफ्ट साइड में लगेगा। 0 डे पे 2 इंजेक्शन लगते हैं। और जो तीसरी डोज है वो 7 डे पे लगती है, और चौथी डोज है वो 21 डे पे लगती है। अब इंजेक्शन लगते कहाँ हैं? जो ह्यूमन बीइंग है, जो पर्सन है जिसकी एज 2 ईयर से अबव है, उसके लिए डेल्टोइडियस मसल में इंजेक्शन लगते हैं, और जो बच्चा है जिसकी एज 2 साल से कम है उसके लिए थाई मसल में इंजेक्शन लगते हैं। नेक्स्ट है इंट्राडर्मल शेड्यूल। इसके अंदर एक मेथड है 2 साइट इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इसमें क्या होता है कि एक दिन में आपको इंजेक्शन लगता है, हाफ इंजेक्शन एक साइट पे, हाफ इंजेक्शन दूसरा साइट पे। तो इसमें कब कब इंजेक्शन लगवाना है? 0 डे, 3 डे, 7 डेज और 28 डेज पे इंजेक्शन लगवाना है। अब
नेक्स्ट की अगर किसी पर्सन ने प्री एक्सपोजर वैक्सीनेशन करवा रखी है तो क्या उसको भी ज़रूरत है पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन की? तो बिल्कुल, अगर किसी डॉग ने उसको बाइट किया है, ब्लीडिंग हुई है, तो उसको भी ज़रूरत है। उसके लिए दो मेथड हैं। पहला मेथड है उसमें डे 0 और डे 3 पे 2 इंजेक्शन लगते हैं, और सेकंड मेथड है उसके अंदर एक ही दिन डे 0 पे 4 जगह अलग अग इंजेक्शन लगते हैं, राइट साइड डेल्टोइडियस, लेफ्ट साइड में और दोनों थाई पे 4 इंजेक्शन एक ही दिन में लगते हैं। तो ये दूसरा मेथड है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, नॉलेजेबल लगी, तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।